नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, बात करेंगे भगवान गणेश की। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं क्योंकि ये सभी की परेशानी को हर लेते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले इन्हीं की ही आराधना की जाती है। भगवान गणेश सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय, जिनके द्वारा आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर लेंगे। पहला उपाय, गणेश जी की पूजा करते समय सर्वप्रथम उन्हें प्रसन्न करने के लिए रोली लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को लाल सिंदूर बहुत ही पसंद है। गणेश जी को तिलक लगाने के बाद स्वयं के मस्तक पर भी तिलक लगाएं। इससे भगवान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और भगवान गणेश आपकी रक्षा करेंगे। दूसरा उपाय, गणेश जी को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय है, गणेश जी के सामने नित्य रूप से दुर्वा यानी हरी घास चढ़ाए। दुर्वा भगवान जी को अत्यंत प्रिय है, नित्य रूप से भगवान गणेश के सामने थोड़ी सी हरी घास चढ़ाएं। तीसरा उपाय, दुर्वा चढ़ाने के बाद भगवान गणेश के सामने मोदक रखें। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम उपाय मोदक यानी लड्डू का भोग है। यदि भगवान को पूजा में मोदक का भोग नहीं लगाया जाता तो जातक की पूजा अधूरी ही रह जाती है। इसलिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। चौथा उपाय, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए भगवान के सामने दीपक लगाएं। आप ये दीपक घी या तेल का भी लगा सकते हैं। भगवान के सामने दीपक लगाने से व्यक्ति को बुद्धि, ज्ञान और योग्यता की प्राप्ति होती है। पांचवा उपाय, भगवान के सामने शमी पत्र को चढ़ाएं। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। शमी केवल एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से भगवान शंकर, शनिदेव और भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। जो जातक शमी के पत्ते को नियमित रूप से भगवान गणेश को अर्पित करता है, उस जातक के जीवन में कोई संकट उसके पास नहीं आता। इसके साथ जातक के घर में धन धान्य में भी कमी नहीं होती। छठा उपाय, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए भगवान के सामने चावल चढ़ाएं। पर चावल चढ़ाते समय ध्यान दें कि कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो। चावल को चढ़ाने से पहले पवित्र जल से चावल पर कुछ छींटे मार लें और चावल को पवित्र कर लें। तो ये थे वो 6 उपाय जिनके द्वारा आप भगवान गणेश को प्रसन्न करके अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।